आज अभिनेत्रियों के लिए भी खुशी का दिन है, नेत्रियों के लिए भी। ये तस्वीरें देखिए, जश्न का दिन है, देवियों के लिए जश्न का दिन है, क्योंकि महिलाएं बच्चियां खुशी का इजहार कर रही हैं, एक दूसरे को मिठाई बांट रही हैं। तस्वीर आपके सामने है, दो तस्वीरों के जरिए इसको समझने की कोशिश करिए। एक तरफ महिलाएं जश्न मना रही हैं, बच्चियां लड़कियां जश्न मना रही हैं, मिठाइयां दूसरे को खिला रही हैं। दूसरी तरफ वो चार गुनहगार आपको दिखाई दे रहे हैं जो निर्भया कांड के आरोपी, जिन्हें फांसी होगी। ये जो आप विजुअल देख रहे हैं, ये खुशी मनाते लोग देख रहे हैं, महिलाएं देख रही हैं, बच्चियां देख रही हैं, ये कानपुर की तस्वीर है। तो देखिए लोग, क्या महिलाएं क्या पुरुष, हर कोई निर्भया कांड के फैसले से खुश नजर आ रहा है। थोड़ा इंतजार किया लोगों ने, जब निर्भया की माँ और बाप ने इंतजार किया तो सभी लोग बस ये देख रहे थे कि आज इस पर फैसला आता है या टाल दिया जाता है। लेकिन जो फैसला आया 22 जनवरी को सुबह 7 बजे दोषियों को फांसी होगी, उसके बाद ये तस्वीर देख लीजिए, अंदाजा हो जाएगा कि वो उस घटना ने लोगों को कितने अंदर तक झकझोर कर रख दिया था, तोड़ कर रख दिया था। हालांकि एक लंबा सैलाब सड़क पर दिखाई दिया, उसके बाद भी प्रदर्शन हुआ, कैंडल मार्च हुआ, कई सवाल जवाब का सिलसिला हुआ, सरकार से सवाल पूछा गया कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आपके पास कौन सा मैकेनिज्म है जो काम करेगा, वो पॉलिसी कौन सी है जो आप बनाने जा रहे हैं। सात सैंतीस दिन तक कोर्ट कचहरी करते करते निर्भया के माँ बाप को आखिरकार इंसाफ मिल गया। सुबह 7 बजे फांसी की सजा का वक्त तय कर दिया गया। चारों दोषियों को का जो है डेथ वारंट जारी हुआ है। ये खबर आज की बड़ी खबर। पवन तिहाड़ जेल में नंबर 2 में बंद है, बैरक नंबर 2 में। तो ये अपडेट आती रहेगी, आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि 7 साल 37 दिन ये बहुत कम समय नहीं है, एक वक्त होता है, खासकर माँ बाप के लिए, निर्भया की माँ और बाप के लिए, पिताजी के लिए। ये जश्न की तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि निर्भया के माँ बाप के साथ साथ और लोग भी इंतजार कर रहे थे इस फैसले का। कानपुर की तस्वीरें जो निकल कर आई वो आपके सामने है। बेटी को इंसाफ मिला, निर्भया की मां ने कहा, कानून पर विश्वास बढ़ा, ये निर्भया के पिता ने कहा। 7 साल बाद निर्भया को न्याय मिला है। 22 जनवरी सुबह 7 बजे का वक्त तय हुआ है निर्भया केस में चारों दोषियों का डेथ वारंट जारी। निर्भया केस में दोषियों को 22 जनवरी को फांसी दी जाएगी। निर्भया केस 22 जनवरी को सुबह 7 बजे दोषियों को फांसी दी जाएगी। तिहाड़ जेल में दोषियों को फांसी पर लटकाया जाएगा। तिहाड़ जेल प्रशासन ने फांसी देने की तैयारी शुरू की। चारों दोषियों को तिहाड़ में फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा, जो सजा मुकर्रर कर दी पटियाला हाउस कोर्ट ने। 22 जनवरी सुबह 7 बजे तिहाड़ में 4 फांसियां एक साथ होंगी। चारों आरोपियों को फांसी की सजा दी जाएगी। मुकेश, अक्षय, पवन और विनय को फांसी की सजा दी जाएगी। 7 साल 37 दिन बाद निर्भया को मिला इंसाफ। दिसंबर 2012 में निर्भया के साथ हुआ था गैंगरेप, और उस दरिंदगी को कोई भूल नहीं सकता। निर्भया की मां ने कहा, आज इंसाफ मिला है, हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। दोषियों को फांसी से अपराधी डरेंगे, ये निर्भया की मां का भी कहना है। एक संदेश जाएगा, फैसले से हारेंगे अपराधी, ऐसे फैसले अगर आते रहे। दया याचिका दाखिल कर सकते हैं दोषी एक का, जो आरोपियों के लिए एक ऑप्शन जो बचा है, एक विकल्प जो बचा है वो ये भी है। लेकिन वक्त इसी बीच 22 तारीख तक, 22 जनवरी तक के बीच में उनको ये करना पड़ेगा। तो आज का दिन बड़ा दिन और बड़ी खबर शाम होते होते दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से निकल कर आई। 7 साल 37 दिन बाद निर्भया केस में फैसला आया। फैसला ये कि इस दरिंदगी के गुनहगार, चार गुनहगार इसके, अब फांसी के तख्त पर होंगे, फांसी के फंदे पर लटकाए जाएंगे। तारीख होगी 22 जनवरी, वक्त होगा सुबह के 7 बजे और जगह होगी तिहाड़। पटियाला हाउस कोर्ट ने डेथ वारंट जारी किया चारों का।
निर्भया के चारों दोषियों को मिलेगी अब फांसी। चारों दोषियों को मुकेश, अक्षय, पवन और विनय को फांसी की सजा। कानपुर में जश्न की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी का इजहार करते लोग, खासकर महिलाएं, जो अक्सर महिला सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती रही हैं, सवाल उठाती रही हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी गली मोहल्ले गांव में इस तरह की घटनाएं आज भी अक्सर होती हैं। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे मौकों पर जब लोगों की संवेदनाएं जुड़ती हैं तो तस्वीर कुछ यूं होती है जो कानपुर में दिखाई दी। 7 साल बाद फैसला, निर्भया के गुनहगारों का डेथ वारंट जारी। आज की सबसे बड़ी खबर, यूपी से जल्लाद मुहैया कराया जाएगा, निर्भया के दोषियों को फांसी देने के लिए जल्लाद की मांग। ये खबरें अब आ रही हैं। तिहाड़ प्रशासन ने यूपी प्रशासन को पत्र लिखा है, 7 साल बाद निर्भया को इंसाफ मिला है। निर्भया के गुनहगार तिहाड़ में लटकाए जाएंगे और लगातार खुशी का इजहार करते लोग दिखाई दे रहे हैं, चाहे निर्भया की माँ हो, निर्भया के पिताजी हो, या फिर आम जनता और खासकर महिलाएं, जो लोग अक्सर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल करते हैं, सवाल पूछते हैं कि कानून व्यवस्था कब सुधरेगी। खासकर उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें तो कई घटनाएं सामने आती हैं और सवाल पूछा जाता है। तो इस तरह की घटनाएं रुकेंगी कैसे? अगर ऐसे फैसले हुए तो शायद एक संदेश जाएगा, वो संदेश ये होगा कि अगर ऐसी घटनाओं को आपने अंजाम दिया तो फांसी का तख्त आपका इंतजार कर रहा है। ऐसा संदेश ऐसे फैसलों से जरूर जाएगा। निर्भया की मां ने भी ये कहा। हमारे साथ अपर्णा भी हैं, हमारी सहयोगी, अक्सर फील्ड में मशक्कत करती नजर आती हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो वो रूबरू कराती हैं उन घटनाओं से भी और सवाल करती हैं कि ऐसी घटनाएं कब तक होंगी। अपर्णा, क्या कहेंगी ऐसे मौके पर? सर, सबसे पहले तो उन तमाम लड़कियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनको, जो लगातार लड़ रही थी पर उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। इस न्याय से पता लगता है कि अभी तक न्याय बाकी है हमारे देश में, अभी हार नहीं होगी जो लड़ रही हैं लड़कियाँ। जो इस तरीके के बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं जिनमें लड़कियाँ बोल नहीं पाती हैं, ये उन हर लड़की की आवाज़ है जो घर में दबती है, मोहल्ले में दबती है, क्षेत्र में दबती है, गांव में दबती है, बोल नहीं पाती है। ये सब उन सब लड़कियों की आवाज़ की तरफ से ये न्याय है। फांसी की सजा एक बहुत ही अच्छा कदम है और ऐसे ही जितने ही भी इस तरीके केसेज आए, मुझे लगता है कितना टाइम न लगे केस में, 7 साल बहुत लंबा समय होता है। निर्भया की माँ जिस तरीके से, मैंने खुद फील्ड पर रहती हूँ, मैंने देखा है उनको रोते हुए कि वो किस तरीके से तड़पती थी अपनी बच्ची के न्याय के लिए। अब जाके कहीं जाके उनको आज देखा, उनको बहुत ज़्यादा शांति भी मिली थी, मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा खुश भी हैं वो। तो इस तरीके से मुझे लगता है निर्णय होने चाहिए देश में, जिससे कि हमारे देश का एक, कहते हैं कि हमारा देश बहुत ज़्यादा लड़कियों का सम्मान करता है, इससे कि हमारे देश की सम्मानता बनी रहे। अपना एक अनुभव साझा करिए, क्योंकि इस तरह के केसेस जब हमारे सामने आते हैं, आपके सामने आते हैं, आप फील्ड में जाती हैं और बतौर एक महिला जब आपको ऐसी खबरों को कवर करना होता है तो मन में क्या चल रहा होता है? इमोशनली भी और सवाल भी होंगे, किस तरह की फीलिंग्स रहती हैं उस समय? सर, सबसे पहले तो लगता है कि मैं लेट नाइट भी जॉब करती हूँ क्योंकि मैं एक रिपोर्टर हूँ, तो मुझे सबसे पहले खुद से लगता है कि अगर मुझे कभी लेट जाते हुए किसी ने मुझे छेड़ दिया या कुछ किया, सबसे पहले खुद के लिए डर लगता है। तो ऐसे निर्णयों से सबसे ज़्यादा ये भी है कि अच्छा लगता है कि आज की डेट में हमारे देश में ऐसी एक व्यवस्था है जिससे कि लोगों के मन में एक ऐसी पैदा होती है चीज़ है कि चलो ठीक है, आज की डेट में हम एक अच्छे, एक भरोसा है, कानून से भरोसे रहे, कानून पर हमें भरोसा है, लग रहा है आज कि आज हमें कानून पर भरोसा है, लग रहा है आज कानून पर भरोसा है, क्योंकि सभी लोग आज ये कह रहे हैं, खासकर महिलाएं, लड़कियां, बच्चियां जो स्कूल कॉलेज जाती हैं, जो कामकाजी महिलाएं हैं, कई बार ऐसी खबरें और ऐसी चीज़ें फेस करने को मिलती हैं, खासकर हमारे प्रोफेशन में भी, इस मीडिया के फील्ड में भी कई बार छींटाकशी होती है। लेकिन आज जो फैसला आया, उस फैसले से एक बात तो तय हो गई कि ऐसी दरिंदगी को अंजाम देने वाले लोग, उनकी असली जगह फांसी का तख्त ही है, फांसी का फंदा ही है। 7 साल लगे जरूर, लेकिन सजा मिली है, वो भी फांसी की सजा। निर्भया के गुनहगारों का डेथ वारंट जारी हुआ और तारीख तय हो गई फांसी की, 22 जनवरी सुबह 7 बजे जगह होगी तिहाड़। चारों दोषियों को फांसी की सजा,
यूपी से जल्लाद मुहैया कराने की मांग भी हो चुकी है, दोषियों को फांसी देने के लिए जल्लाद की मांग भी हो चुकी है, क्योंकि तारीख और समय तय हो चुका है। चलिए, इस फैसले के बाद उम्मीद ये कि कानून पर से विश्वास कभी हटा ही नहीं, उठा ही नहीं, लेकिन फैसले आने में देरी होती है। उस देरी में जो परेशानियां उठानी पड़ती हैं, चाहे वो पीड़ित परिवार हो या फिर उससे जुड़े हुए लोग, वो लोग तमाम बार स्ट्रगल करते दिखाई देते। निर्भया के मामले में 7 साल 37 दिन का वक्त, लेकिन हार नहीं मानी निर्भया के माँ बाप ने, और ऐसा ही संदेश कोर्ट ने दिया है इस फैसले में। जब मौत की सजा सुनाई गई, फांसी की सजा सुनाई गई, शायद एक डर ऐसे गुनहगारों के मन में बैठेगा कि अगर उन्होंने ऐसे गुनाह को अंजाम दिया तो उनकी जगह तिहाड़ और वो फांसी का फंदा होगा। न्यूज़ रूम लाइव में आज बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए R9 TV।